वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सुन लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे बैग हाउस के बारे में, बैग हाउस में लगने वाले फिल्टर के बारे में बात करेंगे, उसकी साइज़ के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके लगाने और निकालने और या क्लीनिंग करना है तो उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो ये बैग हाउस है, उसके लिए टॉप पर चलना होगा। प्रोसेस क्या होता है, आप किस प्रकार से इसका क्लीनिंग या बैग फिल्टर जो भी है चेंज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉप पे, वहाँ से आपको बता दूँ। तो अभी हम आ गए बैग हाउस के टॉप पॉइंट पे। तो यहाँ से बैग हाउस के बारे में, फिल्टर के बारे में समझेंगे और आपको बताएंगे क्लीनिंग किस प्रकार से होता है और फिल्टर चेंज किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे इसके लॉक लगे हैं, तो इस कैप को ओपन करना है। इसमें जो पार्ट पार्ट जो है वो कैप लगे हुए हैं, तो सभी के कैप को हटाने हैं। तो यहाँ से वन बाय वन सभी के कैप हटा लेने हैं, जो जितने के वर्क करने हैं, क्लीन करने हैं या चेंज करने हैं, जिस पार्ट के करने हैं आप उसके भी कैप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब कैप हटाएंगे तो बीच में जो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर डले हुए हैं, और उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वांटिटी होती है, टोटल कितनी क्वांटिटी होती है, एक पार्ट में कितनी क्वांटिटी आएगी। तो जैसे सब के कवर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से उसके बाद जो इसके केज निकाल लेंगे, तो इसमें जितनी भी केज डली है उसको निकाल लेना है, जिसके वर्क करने हैं। तो यहाँ पर अभी क्लीन होना है, तो यहाँ पर सभी के निकाले जाएंगे। और यहाँ से केज निकालने के बाद जो इसके बाद जो फिल्टर की बारी आती है, तो यहाँ पहले केज निकालना है, यानी केज मतलब ये जो जाली इसकी निकालने हैं उसी को केज कहते हैं। तो जाली निकालने के बाद जो फिल्टर की बारी आती है, फिल्टर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी इसके फिल्टर है निकाल लेंगे। तो आप इसी निकालते समय भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो डैमेज है उसको अलग और जो फ्रेश है उसको अलग यूज कर सकते हैं, और जो डैमेज है उसके जगह पर नए यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी इस तरह से निकाल लिया गया, लेकिन और आगे के साइड बचे हुए हैं, तो यहाँ अंदर साइड से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो फिल्टर लगे होते हैं थोड़े थोड़े स्पेस आते हैं बीच में, बाकी वो पूरे स्ट्रेट रहते हैं वो केज की वजह से। यदि केज ना हो तो आपस में चिपक जाएँ और ऊपर को फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन तक सक करके चले जाएंगे। तो इस सब की वजह से ही ये केज की वजह से ही रुका रहता है। और केज का जो एक खासियत होता है, तो यहाँ पर आप देखिए इस केज में, इसमें डबल केज एक ही फिल्टर में डलती है, तो इसलिए यहाँ पे एक साइड का जो इसमें प्लेट लगी है ना, एक साइड से फेस बराबर होगा दूसरे साइड से बाहर को, जो दूसरे साइड से बाहर को है वो चला जाता है आउटसाइड को, जो दोनों से फेस बराबर होते हैं बीच में बैठता है। तो यहाँ पे देखिए जो निकले हुए फिल्टर हैं, तो यहाँ पे हैं, और इसमें से कुछ फिल्टर जो डैमेज हैं वो नहीं इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो डैमेज किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से गल जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर में चलते हैं इस वजह से, और इसको डस्ट, गर्म हीट डस्ट की वजह से ये फिल्टर जल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें भी जो फिल्टर फ्रंट में होते हैं वो जल्दी जलते हैं, और जो पीछे साइड में होते हैं उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ में डिफरेंसेस हो जाते हैं। और यहाँ से इसमें देखिए ग्रिपिंग है, तो इसमें जो ग्रिपिंग है और इसके अंदर एक लोहे की स्ट्रिप रहती है, जो इसकी वजह से ये फिट होता है। इसके बाद जब इसमें हम केज डालते हैं तो दब के बैठ जाता है। और यहाँ देखिए क्लीनिंग का प्रोसेस है, और उसके बाद जो ये क्लीन हुए फिल्टर हैं, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो कॉलर है, इसी कॉलर में जो लोहे की स्ट्रिप होती है, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा हार्डनेस आता है और ग्रिपिंग सही होती है और ये फैलता नहीं है। और यहाँ बीच में देखिए सिलाई लगा हुआ है, और बाहर साइड से ये बीच में सिलाई लगा हुआ है, और इसके एक साइड किया जाएगा, दूसरे साइड, दोनों साइड किए जाएंगे। और यहाँ पर जो क्लीन होने के बाद फिर से लगाना स्टार्ट करेंगे, वही प्रोसेस है लगाने का। तो इस प्रकार से जो इसमें जो फिल्टर लगाते हैं, तो ये कंपार्टमेंट जो एक सिस्टम जो कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें जो फिल्टर आते हैं टोटल 25 फिल्टर आते हैं। तो एक जो सेट है, एक सेट में 25 फिल्टर आते हैं, तो इसमें 50 केज आएगी, यानी डबल केज आएगी, फिल्टर 25 है तो 50 केज आएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिल्टर लगा लेना, उसको सही से सेट कर लेना, उसके बाद केज लगेगा। तो यहाँ से जो फिल्टर लगा रहे हैं, जो 25 फिल्टर, तो इस प्रकार से 14 कंपार्टमेंट हैं। तो जो पल्सिंग सिस्टम है, वो जिसका जो सॉकिंग सिस्टम है रेस्टिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एक पॉइंट पे चलेगा, यानी जिस एक कंपार्टमेंट से एयर सक करेगा तो बाकी रेस्टिंग पॉइंट पे होते हैं, जिसमें से अपोजिट डायरेक्शन में एयर ऊपर से, अभी तो जो यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ से एयर सक होगा और एग्जॉस्ट को जाएगा। जब रेस्टिंग पे रहेंगे तो यहाँ से एयर, फ्रेश एयर जाएगा, नीचे से सक होगा, और वो जो एयर होगा वो उस तरह से डस्ट फिल्टर होते चले जाते हैं, फिल्टर वहीं जो स्क्रू के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, यहाँ को गिरते हैं फिल्टर, जो जो डस्ट होते हैं वापस यहाँ गिरते हैं।
मतलब कि जो 14 यहाँ पे कंपार्टमेंट हैं उसमें से एक यूज होता है एक टाइम पे, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं। इसके लिए मैं एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें केज लगाना है। तो इसकी जो क्वांटिटी मैं बता रहा था, तो क्वांटिटी इसकी जो एक में 25 है, तो आगे जो टोटल इसके आ रहे हैं तो टोटल 350 होते हैं, लेकिन एक कंपार्टमेंट में दो कम है तो इसकी वजह से 48 लगते हैं। तो इसमें 348 पीस यूज होते हैं। और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी जो साइज होती है तो हर एक प्लांट के लिए अलग अलग होती है। ये जो फिल्टर बैग अभी लगाए हैं तो इसकी जो साइज़ है वो साइज़ है 350 mm चौड़ाई, और इसकी जो हाइट है 1950 है। लेकिन जो इसके और भी कई साइज में जो फिल्टर लगते हैं तो अलग अलग साइजें मिल सकते हैं। तो इसके जो इससे एक्सेस भी मिल सकता है साइज, जो साइज लगभग 3-3.5 मीटर तक के भी फिल्टर आते हैं। तो और इसी प्रकार से इसकी लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ जो है वो फिक्स नहीं होता है, जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जो फ्रंट में है उसकी लाइफ कम होती है, जो बैक साइड में होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होता है। फ्रंट कहिए तो जो ड्रायर से जो एयर आता है, तो जो शुरुआत वाले फिल्टर होते हैं उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे पीछे साइड को एयर चला जाता है तो ऐसे टेम्परेचर घट जाता है। तो भी एक एवरेज लाइफ माने तो 4-5 लाख टन तक ये जो प्रोडक्शन तक ये फिल्टर सही क्वालिटी का है तो चलता है, और यदि पुअर क्वालिटी है तो उसका तो कोई लाइफ डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक ठीक ठाक है तो इस एवरेज तक जो फिल्टर हैं वो चलते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी होती है तो अपोलो के प्लांट के लिए अलग होगा, और किसी में राउंड शेप में लगेगा, यहाँ पे इस प्रकार के शेप में लग रहा है। तो हर एक प्लांट के अलग अलग होते हैं। तो और यहाँ गोल वाले होते हैं, उसमें दो साइज में इस्तेमाल होते हैं। एक साइज से अपोलो नहीं चलता है, उसके जो फ्रंट में आते हैं जो वहाँ पे छोटे होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्लांट के जो डिफरेंसेस की वजह से थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो काम होता है वो सेम ही होता है। और इसको जब हम बैठाते हैं तो यहाँ पे स्लिप हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो फिल्टर जब हम बैठा रहे हैं तो ये स्लिप हो गया, तो इसको दोबारा लगाना है। तो ये इस तरह के स्लिप नहीं चलते हैं, और इसको सही से बैठाना होता है, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक कॉर्नर साइड में आ रहा है, यहाँ पे जॉइंट मैच हो रहा है, और दूसरे साइड का जो यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है। और इसके अंदर साइड में देखिए स्पेस मेंटेन करने के लिए जो एक केज है, स्पेस मेंटेन करने का काम करता है। यदि इसको नहीं रखेंगे ये चिपक जाएगा तो फिल्टर ही नहीं होगा, तो उससे दिक्कत होता है और प्लांट चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जो पूरे लगाने के बाद जो इसकी प्रोसेस है, फिर उसको वापस से कैप लगा देंगे। तो ये बैग हाउस का जो सिस्टम है फिल्टर का, तो इसी प्रकार से होता है, और इसी प्रकार से इसका क्लीनिंग। और यहाँ पे फोम दिया हुआ है, इसके जो कैप है ये टाइट हो जाता है, और यहाँ से मॉइस्चर हो गया या बारिश में चल रहा है तो इसकी वजह से पानी और किसी वैसे मॉइस्चर का नहीं रहता है कि जो अंदर जाके डिस्टर्ब करें। और यहाँ से यदि लीक हो गया पानी जाता है तो फिल्टर ख़राब हो जाते हैं। और यदि बात करें जो बैग फिल्टर इसमें यूज होते हैं तो ये कितने टेम्परेचर तक ख़राब नहीं होंगे और कितने टेम्परेचर तक, तो यहाँ जो बैग हाउस का जो टेम्परेचर होता है रनिंग में जो प्लांट चलता है तो 160, 150, 170 इसी के आसपास ये लगभग चलते रहता है। जो मिक्स टेम्परेचर होता है उससे कम ही होता है। तो यहाँ पे जो फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, जो कंपनी का जो डाटा होता है जो उसको बनाने के बाद कहती है इतने टेम्परेचर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 500 से प्लस होता है, और उससे कम के भी टेम्परेचर के फिल्टर बनते हैं, लेकिन इस्तेमाल जो है 500 से प्लस का होता है। क्योंकि 300 बैग हाउस का जो टेम्परेचर है वो चला जाए तो इससे दिक्कत ना हो, इसके लिए लगभग 300 टेम्परेचर तक के कट ऑफ होते हैं। तो इसलिए जो इस फिल्टर के हैं तो वो 500 से प्लस ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।